एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप्स का एग्जांपल दिया कि अगर आप एक लड़की हो, आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मना कर दिया आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, और ज़बरदस्ती आपकी कहीं पर और शादी करा दी। आपने अपने पेरेंट्स से बस इतना पूछा कि आप गारंटी लेते हो कि ये जो लड़का है वो सही निकलने वाला है, लिख के दो। उसके पापा ने लिख करके उसको गारंटी दे दी और उस लड़की की शादी हो। पेरेंट्स खुश, जो चाहते थे वो हो गया। एक दिन निकले, दो दिन निकले, तीन दिन, चार दिन, क्या लगता है? टेम्पररी बेसिस पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग रन में पेरेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब हमको ये देखना है क्यों बुरा है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में पावर आ गई, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके पास में राइटिंग में एक गारंटी का वो लिखा हुआ है, गारंटी सर्टिफिकेट है। भैया लड़का जो आया है वो गारंटी से आया है, घर वालों ने गारंटी ली है, तभी तो उसने शादी करी, नहीं तो क्यों करती? और ये मैं आइडिया भी दे रहा हूं आप लोगों को कि हाँ, सिंपल आइडिया है कि जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स करें उनको बोलो राइटिंग में दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, साइन करो, बाद में बहुत काम आएगा आपके, मैं बताता हूँ कैसे। अब उस लड़की के हाथ में देखो कितनी पावर है, और पेरेंट्स जो है वो कितने हेल्पलेस है। उस लड़की को फोन घुमाना है अपने घर में, चार दिन हो गए शादी को, फोन घुमाया, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। अरे प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हुई और आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो? कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई हो और आज तक हजारों प्रॉब्लम ना आई हो? एक भी नहीं है। यानी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तब ये लड़की क्या करेगी, इसके पास में गारंटी कार्ड है, प्रोडक्ट खराब हो जाए तो क्या करोगे, या फोन घुमाओ कंपनी में। चार दिन बाद उसने घर पे फोन घुमा दिया, हेलो मम्मी, हाँ बेटा क्या हुआ, जरा पापा को फोन देना। अबे इसकी गारंटी पापा ने दिया तो पापा से बात करनी। हाँ पापा, क्या हो बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है, ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है। क्या हुआ बेटा? पापा कल रात को, कल रात को क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ, कल रात को उसने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे गलत क्या, सारी हदें पार कर दी। क्या क्या बोल रही है, मुझे बता बेटा, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने गारंटी ली है, मैं देखूंगा, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई? पापा कल रात को मैं जब अपने कमरे में गई, वो नाइटी पहन करके जो मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो उसने पता है क्या कहा? क्या कहा बेटा? उसने कहा कि तुम इसमें डाल लेगी, थोड़ी सी मोटी लग रही हो। आज तक आपने और मम्मी ने मुझे कभी मोटी नहीं बोला, ये कौन होता है मुझे मोटी बोलने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं इसको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगी। अच्छा खासा मैं आपको कह रही थी, एक बार नहीं मैंने आपको 10 बार कहा कि करा दो मेरी शादी, करा दो मेरी शादी संदीप महेश्वरी से। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन बेटा संदीप महेश्वरी तो पहले से शादीशुदा है ना, उसके तो दो बच्चे भी हैं। अरे तो क्या एक ही संदीप महेश्वरी है क्या इस दुनिया में? और पापा मम्मी बेचारे टेंशन में। हाँ बेटा मैं कल शाम को आता हूँ फ्लाइट पकड़ करके। कल शाम को नहीं, आपको कल सुबह यहाँ पर आना है और इससे बात करनी है कि आज के बाद अगर मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। क्या करेंगे माँ बाप? तो हुआ क्या, पहले बच्चों की डोर माँ बाप के हाथ में थी, अब इन माँ बाप की डोर उस बच्चे के हाथ में है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाया। अपने दम पर डिसाइड किया होता कि मुझे ये करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती। और मैं ये सब बातें सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एज अ पेरेंट मैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन सारी बातों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ।